हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियदर्शनी सौरभ चौहान। और आज मैं आप लोगों के लिए एक रिव्यू लेकर आई हूँ बहुत ही बेहतरीन फाउंडेशन का, जिसका नाम है मिलानी कंसीलर प्लस परफेक्ट टू इन वन फाउंडेशन कंसीलर फाउंडेशन। मेरा शेड है 06 सैंड बेज और ये मुझे मिला है 1400 का, नायका से लिया है मैंने। 30 ml क्वांटिटी है इसकी, ये एक ग्लास बॉटल में आता है। तो प्लीज़ इसको अगर मंगाना है तो बहुत सेफ्टी से रखना। और इसमें इन्होंने इसकी स्पेशलिटी लिखी है मीडियम टू फुल कवरेज, लाइट वेयर, लाइट वेट, ऑयल फ्री फॉर्मूला, लॉन्ग वेयर, वाटर रेजिस्टेंट। और लॉन्ग वेयर तो मैं अब पता चलेगा क्योंकि आज मैंने इसी से मेकअप किया है और ये मेरा आज ही आया है, नायका से लिया है। मुझे इस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिला, जब डिस्काउंट चल रहा था तब मैंने लिया नहीं और अब डिस्काउंट ख़त्म हो गया तब मैंने इसे मंगाया है, क्योंकि मुझे मंगाना था इसलिए तो मैंने तब इसे मंगाया और ये मुझे 1400 का। बात कर लेते हैं इसकी शेल्फ़ लाइफ की, तो 2020 अगस्त इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है और एक्सपायरी लिखी है 2023। तो 2020, 21, 22, 23 लगभग 3 साल की इसकी हमें लाइफ मिल जाती है। तो इन्होंने मेरे को 2020 का भेजा है। अब ये इन्होंने 2020 का क्यों भेजा, इनको मुझे 2021 का भेजना चाहिए था। ये फॉल्ट है नायका का और अब आ गया है तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो आज मैंने इसी से मेकअप किया है, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ पूरी बात। मैंने सिंगल कोट अप्लाई किया है, ठीक है। तो जो मेरे वैसे बहुत ज़्यादा निशान दाग धब्बे नहीं हैं, लेकिन ये एक बर्थमार्क है जिसको छुपाने के लिए मैं सारे जतन करती हूँ पर वो इतना आसानी से छुपता नहीं है। तो ये इससे अच्छा मुझे मेबलिन का लगा इस मामले में, मेबलिन का सुपर स्टे 24 आवर वाला, वो मेरा ये निशान काफ़ी हद तक छुपा देता है, हाइड कर देता है। और मैं उसके ऊपर कंसीलर वगैरह अप्लाई कर लेती तो ये पूरी तरीके से हाइड हो जाता है। लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दुखी किया है कि जैसा इसका नाम था, मैंने इसके रिव्यू देखे थे यूट्यूब पे कि ये उसके लिए कंसीलर की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आप देखो मेरे माउथ के अराउंड तक की ये नहीं छुपा पाया। अब हो सकता है कि आज मैंने ये स्विस ब्यूटी के ब्रशेस से मेकअप किया है इसलिए ना छुपा पाया हो, क्योंकि पैक के ब्रशेस से मैं मेकअप करती हूँ और मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम किया है पर्पल ने। तो बात कर लेते हैं इसके ऑक्सीडेशन की, तो ऐसा एज सच इतना कुछ खास ऑक्सीडाइज ये नहीं हुआ है, हुआ है लिटिल बिट बट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और वाटरप्रूफ ये है, मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे लगाने के बाद काफ़ी देर तक अपने किचन में काम किया और घर के बाकी काम किए। अब इतनी गर्मी भी पड़ रही है, मेरे यहाँ भी ऐसी एसी भी नहीं लगवाया है मैंने, फिर भी ये टिका हुआ है। और इसके ऊपर मैंने स्विस ब्यूटी का स्प्रे लगाया था, तो स्विस ब्यूटी का स्प्रे तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता, लेकिन ये फाउंडेशन ही है जो अपने आप को रोक के रखा है उसे मेरे फेस पर। तो फाउंडेशन ऑल ओवर अच्छा है, अगर आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा डार्क वाली जैसे मेरे फेस पे है नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट वर्क करेगा और आप इसके लिए जा सकते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगी कि 1400 का मैंने ये बहुत महंगा लिया है, तो जब सेल चले 1000-1200 रुपये के आसपास ये मिले तब आप लेना। और निक्स का भी बहुत अच्छा है, मैं वो भी मंगाने वाली हूँ, निक्स का भी रिव्यू मैं जल्द लेके आऊँगी। लेकिन मैं मेबलिन सुपर स्टे का तो रिव्यू जल्द ही करूँगी, वो भी बहुत बेहतरीन फाउंडेशन है। मुझे कुछ फाउंडेशन ऐसे हैं जो बहुत पसंद हैं, जिनको लगाने के बाद आपको मुझे नहीं लगता कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जिसकी ड्राई स्किन है वो प्लीज़ इसके नीचे मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं, नहीं तो ये आपकी स्किन ड्राई करेगा ही करेगा। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं मॉइस्चराइज़र लगाने के, हल्का सा मॉइस्चराइज़र भी मेरे लिए काम करता है, लेकिन जिनकी ऑयली है उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, बहुत अच्छा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो ये फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं और ऑल ओवर ये अच्छा है। मैं अपनी तरफ से इसको दूंगी 5 में से 4.5 नंबर, आधा पॉइंट मैं इसका इसलिए काट रही हूँ क्योंकि जैसे कि बोला था अच्छे से कंसील करेगा आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, तो मेरे साथ वो चीज़ नहीं की है, तो आधा मार्क मैं इसलिए काटूँगी। मुझे करेक्टर वगैरह यूज़ करके ही इसको अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी ये देखो आप ये कुछ नहीं निकल रहा, वैसा का वैसा कुछ बहुत अच्छा फाउंडेशन है। तो
और लास्ट में जाते जाते यही बोलूँगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको मेरे रिव्यूज़ अगर अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, उन्हें शेयर करें, और मैं एक बिल्कुल जेन्युइन कस्टमर बनके ही रिव्यू देती हूँ। मेरे पास कोई स्पॉन्सर्ड हो सकता है, इसलिए मेरी क्रेज हुआ है, आप मेरे रिव्यू पे भरोसा कर सकते हैं, मेरी नोट्स के अराउंड हुआ है। तो थैंक यू, बाय बाय, बहुत ज्यादा क्रेज अगले वीडियो में।